आज गेहूं के आटे से खारी बनाएंगे। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि गेहूं के आटे से भी इतनी बढ़िया खारी बन सकती हैं। इनको बनाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। खारी बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ये मैंने आशीर्वाद का पैकेट वाला आटा लिया है। इसमें आधी कटोरी अजवाइन डालेंगे, इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसमें दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस दो चम्मच ही डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक टाइट सा डो लगा लेंगे। आटे को ज़्यादा गूंदेंगे नहीं, बस इसको इकट्ठा करेंगे। मैं आपको इसको चेक करके दिखाना चाहूँगी। इसका देखिए, इस तरीके का टाइट सा डो लगा लेंगे। मैं आपको इसको काट करके चेक कराती हूँ। आटे का टेक्सचर देखिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। आटे को मैंने ज़्यादा गूंदा नहीं है, बस इसको इकट्ठा किया है। अब इसको करीब 4 से 5 पीस में डिवाइड कर लेंगे। अब इनके पेड़े बना लेंगे। ये पेड़े मुझे थोड़े बड़े लग रहे हैं, इनमें से थोड़ा थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे। इनके देखिए, इस तरीके से इतने बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। आधे आटे में से मैंने 5 पेड़े बना लिए हैं। ये हमारे टोटली 10 पेड़े बने हैं। अब इनको साइड में रख देंगे। अब प्लेटफॉर्म को गीले कपड़े से अच्छे से साफ करेंगे। अगर आप चाहो तो कोई बड़ा सा चकला भी ले सकते हो। अब एक पेड़ा लेंगे, इस पर हल्का सा सूखा आटा या फिर मैदा लगाएंगे और इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। इन रोटियों को बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, ये बहुत ही आसानी से बिल जाएंगी। इनकी देखिए, इतनी पतली पतली रोटी बेल लेंगे। ये रोटी देखिए कितनी पतली बनी है, इसमें से उंगली बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ये मैंने पूरी रोटी बेल ली है। अभी इनको गीले कपड़े से या फिर किसी भी प्लेट से ढककर साइड में रख देंगे, जिससे क्या है, ये सूखेंगे नहीं। अब एक बाउल में 2 चम्मच मैदा लेंगे, इसमें 2 चम्मच ही कॉर्न स्टार्च डालेंगे। अब इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे और इसकी एक स्लेरी बना लेंगे। काफ़ी सारे लोग इसको सांटा भी बोलते हैं, आप भी इसको स्लेरी, सांटा कुछ भी बोल लें, जो भी आपको अच्छा लगे। अब एक रोटी लेंगे, इस पर 1/2 चम्मच स्लेरी डालेंगे। इसको रोटी पे सब तरफ अच्छे से लगाएंगे। इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे। अब इस पर दूसरी रोटी जमाएंगे, इस पर फिर से स्लेरी डालेंगे। इसको रोटी पे सब तरफ अच्छे से लगाएंगे। इस पर फिर से सूखा मैदा डालेंगे। इसी तरीके से 5 रोटियों को जमा लेंगे। ये मैंने एक के ऊपर एक 5 रोटियों को जमा लिया है। अब इनको हल्का सा सेट करेंगे। अब ऊपर वाली रोटी पे भी घोल लगाएंगे। इसको रोटी पे सब तरफ अच्छे से लगा देंगे। इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे। अब इसको देखिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसको इस तरीके से चौकोर शेप में फोल्ड कर लेंगे। इसको हाथ से थोड़ा दबाएंगे। अब हमने जो 5 रोटी बचाई हैं, उनको भी इसी तरीके से जमा लेंगे। ये मैंने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अभी एक पीस को ढककर साइड में रख देंगे, जिससे क्या है, ये सूखेगा नहीं। अब खारी को तलने के लिए ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, बेलन को देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे घुमाएंगे और इसको थोड़ा पतला सा बेल लेंगे। इसकी साइड को तो कट कर देंगे। अभी साइड को हटा देंगे, इनको हम बाद में यूज करेंगे। अब इसमें से अपनी पसंद के हिसाब से पीस काट लेंगे। खारी की साइज आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, छोटी बड़ी जैसे भी आपको सही लगे उसी हिसाब से इसको काट लें। मैं आपको इनको चेक करके भी दिखा देती हूँ। इनको देखिए, इतना पतला बेल लेंगे। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूसरे पेड़े की भी इसी तरीके से खारी बना लेंगे। अब इनको फ्राई करेंगे।
ऑयल भी देखिए हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें खारी को डाल देंगे। मैंने इसमें एक बार में एक प्लेट की खारी डाल दी है, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करें। आप एक बार में करीब 7 से 8 खारी ही फ्राई करें। मैंने इनको पहली बार बनाया है, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा फूल जाएंगी। इनको फूलने की वजह से पलटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और ये खारी टूट भी रही हैं। ये देखा आपने कितनी ज़्यादा फूल गई हैं। अब इनको पलटते हुए सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। अगर मैं चाहती तो इस पार्ट को स्किप कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको आपकी वजह से स्किप नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आपसे भी गलती नहीं हो और आपकी खारी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। इसमें ज़्यादा खारी डालने की वजह से ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है। फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लेंगे और इनको सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। सच मानिए, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये खारी इतनी ज़्यादा फूलेंगी, क्योंकि मैंने इनको पहली बार ही बनाया है और पहली बार में भी यकीन मानिए ये हमारी बहुत ही बढ़िया खारी बनी है। इनको फ्राई करने के बाद निकाल लिया है। अब इनको झजरी में ही रखा रहने देंगे, जिससे क्या होगा इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। अब मैं आपको कम खारी भी फ्राई करके दिखाना चाहूँगी। एक बार में करीब 7 से 8 खारी डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये खारी देखिए कम होने की वजह से टूटी नहीं है और ये कितने अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से पूरी खारी को फ्राई करेंगे। मैंने वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं किया है, आपको फुल प्रोसेस दिखाया है, जिससे क्या है आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो और आपकी खारी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। ये मैंने पूरी खारी फ्राई कर ली है। अब मैं आपको इनको चेक करके भी दिखाना चाहूँगी ये हमारी कितनी बढ़िया एकदम खस्ता खारी बनी है। इनकी परतें देखिए कितने बढ़िया तरीके से अलग हो गई हैं और यकीन मानिए ये हमारी बहुत ही बढ़िया खारी बनी है। खारी की जो साइड निकली थी इनको भी मैंने काटने के बाद फ्राई कर लिया है। आप इनको ठंडा करने के बाद किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के रख दें। आप इनको आराम से 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। आप इनको छोटी मोटी भूख में चाय के साथ सर्व करें, ये चाय के साथ यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।